आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कुछ फ्रॉग लोअर्स की। कौन से फ्रॉग लोअर्स किस प्राइस रेंज में बेस्ट हैं, जो इसमें सस्ते वाले भी हैं, ब्रांड वाले भी हैं, अच्छे वाले भी। तो किसके हुक्स कैसे हैं, कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है रबर की, वो देखेंगे आज। इस वीडियो में आपको फ्रॉग के बारे में पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन से प्राइस रेंज में और कौन सा लोअर्स कौन से ब्रांड में खरीदने चाहिए, सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। चलिए जल्दी से अनबॉक्स करके देखते हैं। फर्स्ट लोअर है हमारा लुकाना ब्रांड का, लुकाना न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, मस्टर्ड हुक के साथ होता है। ओपन करके देख लेते हैं इसे क्या है, कैसी क्वालिटी है, क्या है, देख लेते हैं इसको। उससे पहले यहाँ पे इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, चीतो फ्रॉग 50 mm 12 ग्राम। ये आ गया फ्रॉग बाहर, तो इसका कलर देख लेते हैं पहले। गोल्डन और ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर का डिज़ाइन है इसमें, गोल्डन कलर अंदर से लगा हुआ है। इधर से साइड से देखने पर हल्का सा वाइट और ब्राउन कलर है, रेड कलर की आँखें हैं, काफ़ी अच्छी है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। वाइट कलर और येलो कलर में इसका टेल दिया हुआ है। ये देखिए हुक्स, हुक्स मस्टर्ड के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसके ग्रिप्स देखिए वापस निकल के नहीं आएंगे और बहुत शार्प हुक्स भी हैं इसमें। ये नॉर्मल लेट दिया हुआ है इसमें, इसको गम लगाना ही पड़ेगा, हर कोई भी फ्रॉग ले लो उसको गम लगाना ही पड़ता है। और इसकी रबर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ यहाँ पे दबाने से पता चल जाता है कितनी अच्छी क्वालिटी है, ब्रांडेड है तो अच्छा रहता है फ्रॉग। आज का ये हमारा दूसरा फ्रॉग है, चाइना मेड ब्लू फ्रॉग, 180 रुपीज़ वाला फ्रॉग है, 55 mm 10 ग्राम। जल्दी से इसे ओपन करके देख लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और हुक्स वगैरह सब कैसी है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका, आंखें से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है, पिंक येलो वाइट कलर में फ्रॉग है, काफ़ी अच्छा है। मटेरियल थोड़ा सा लो क्वालिटी लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा पंचस है, पंच मारा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा कट जैसा लग रहा है। रबर क्वालिटी काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब हुक्स भी देख सकते हो थोड़े से पतले हैं, ग्रिप्स भी थोड़े से छोटे हैं, लेकिन शार्प है हुक्स। अगर बड़ी स्नेक हेड लग जाएगी तो मतलब थोड़ा सा हुक्स सीधे होने वाला चांस है। ये देखिए हुक्स, तो बहुत छोटे ग्रुप्स हैं इसके, इस प्राइस रेंज में मतलब इससे वर्थलेस है, इसको खरीदना वर्थलेस है। जब भी आप परचेस करने जाते हो डीलर के पास, फोटो देखते हो तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है हुक्स कैसे हैं और रबर क्वालिटी तो पता नहीं चलती, डीलर से एक बार पूछ लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रॉग कैसा है हमारा, इस तरीके के पैकिंग में भेजा है इन्होंने, निकाल लेते हैं। ब्लैक कलर में फ्रॉग है, ब्लैक और व्हाइट कलर के डॉट्स हैं इसमें, टेल भी ब्लैक और व्हाइट कलर के, आईज रेड कलर के। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, थोड़ा सा हार्ड है रबर, और इसकी तरह ये लुकाना के टाइप में, लुकाना का थोड़ा सा हल्का लग रहा है, ये थोड़ा हैवी हार्ड है, इसको थोड़ा सा ईयर पासिंग के लिए होल करना पड़ेगा, बाकी में बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। हुक्स आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए हुक्स, ये काफ़ी मस्टर्ड की तरह लग रहा है हुक्स, थोड़े मोटे और हार्ड हैं, ग्रिप्स भी अच्छे हैं इसके, हुक का शार्पनेस भी अच्छा है, देखने से यहाँ पे पता चल जाएगा आपको दोनों सेम क्वालिटी के लग रहे हैं। देखने 160 रुपीज़ 55 mm 14 ग्राम का लोअर है, ये तीनों फ्रॉक सेम क्वालिटी और सेम है, कलर चेंजेस। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको जैसा भी कंटेंट चाहिए रहेगा, किसी भी लेयर की डिटेल्स चाहिए रहेगी, मैं आपको बता दूंगा। ऑल इंडिया में आपको जिस भी डीलर का नंबर चाहिए रहेगा, जो भी जेन्युइन डीलर है, पैसे देने पर ऐसा नहीं है कि धोखा दे दें, वैसे डीलर का आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे भी आपको लोअर चाहिए आप वहाँ से उनका कैटलॉग देख के परचेस कर सकते हो। थैंक यू।